गोरखपुर के कैट इलाके से एक अजीब घटना सामने आई है, जहां कैट इलाके के मझौली कंपाउंड में खड़ी एक कार में बुर्का पहनकर आई महिला ने आग लगा दी। आग के बाद बच्चों ने शोर मचाया तो महिला फरार हो गई। कॉलोनी के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। गाड़ी मालिक ने अज्ञात बुर्काधारी महिला के खिलाफ कैट थाने में तहरीर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बुर्काधारी महिला बोतल में पेट्रोल लेकर आती है। 2 से 3 बार में उसने कार के पहिए पर पेट्रोल उड़ेल दिया। इस दौरान वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने महिला पर बहुत ध्यान नहीं दिया। कई बार के प्रयास में महिला ने कार के टायर में आग लगाने की कोशिश की। टायर में उसने 2 बार के प्रयास में आग भी लगाया। जैसे ही आग पकड़ी वो वहाँ से भाग गई। उधर बच्चों ने आग लगता देखकर शोर मचाया, जिसके बाद समय रहते ही कॉलोनी के लोग आ गए और तत्काल आग पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद अजय कुमार श्रीवास्तव ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कैट पुलिस जांच कर रही है। गोरखपुर के SSP डॉक्टर विपिन तारा ने बताया कि आग लगाने वाले की तलाश की जा रही है। पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा किसने और क्यों इस तरह की हरकत की थी। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।